अध्यात्म को विश्व पटल में रखने वाला संगठन इस्कॉन लोगों के बीच काफी सक्रिय है। राधेयाचक इस्कॉन मंदिर में इस्कॉन द्वारका के उपाध्यक्ष अमोद लीला प्रभु का आगमन हुआ, जो अपने धार्मिक और मोटिवेशनल स्पीच के वजह से काफी पॉपुलर है। रफ्तार मीडिया के संवाददाता सौरभ राय से खास तौर पर रूबरू होते हुए अमोग लीला प्रभु ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट के जरिए। कलेक्टर, हमारा भारत देश पूरा भर में अपने अध्यात्म के वजह से जाना जाता है, और अगर हम बात करें इस्कॉन की, तो इस्कॉन का एक बड़ा योगदान रहता है अध्यात्म को विश्व भर में फैलाने के लिए। राजधानी रांची में आज इस्कॉन द्वारका की उपाध्यक्ष अमोग लीला प्रभु का भी आगमन हुआ। अमोग लीला प्रभु राजधानी रांची कांके रोड स्थित ऑफिस में मौजूद है, और यहाँ पे भी लोगों का इन्होंने हौसला भी बढ़ाया, हम इनसे भी बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे रफ्तार मीडिया की ओर से जी हरे कृष्णा, सबको शुभकामनाएं। इस्कॉन रांची से जुड़िए, इस्कॉन रांची बहुत अथक रूप से सेवा कर रहा है यहाँ पर रांची वासियों की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी रांची वासियों से कि मंदिर से जुड़े और अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक सवाल आपसे रहेगा, हमारे जो टीनेजर्स है उनके मन में एक सवाल रहता है कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और मन को नियंत्रित करिए, गीता की शिक्षा को पालन करिए। और प्रभु जी, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आप देश सहित विश्व भर में जाकर हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, कौन का प्रचार करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रचार करते रहिए, क्योंकि संस्कृति का प्रचार नहीं करेंगे तो विलुप्त हो जाएगी वो। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक मैसेज अगर आप शेयर कर पाएंगे आप हमारे यूथ के लिए, क्या कुछ मैसेज रहेगा? वेल, यूथ के लिए यही मैसेज है, गीता का पालन करेंगे तो वो यूथ बने रहेंगे, नहीं तो भूत बन जाएंगे वो। तो आज हमारा यूथ है ड्रग्स ले रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं वो लोग भक्ति करें और करियर में फोकस करें, पर लेकिन ये कि अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छा भक्त बनना जरूरी है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार बड़ा मैसेज भी दिया करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी संतु के साथ रांची।